खबरों के और रुख करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम वही खबरें आपको दिखा दें जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि सच जरूरी है। 370 सीटों पर ईवीएम घोटाला, सीईसी से राज ठाकरे की शिकायत। मनसे नेता राज ठाकरे ने यहां मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की और मांग की कि ईवीएम की जगह कागजी मतपत्र से महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा चुनाव कराए जाए। चुनाव आयोग ने मुझे बताया है कि इन मशीनों में लगने वाली चिप अमेरिका से आती है। चुनावी मशीन से विदेश का संबंध है। देश में चुनाव हो रहा है या गणित लग रहा है। लोकसभा की 370 सीटें ऐसी ही, जहां जीतने वालों को भी चिंता है कि वो कैसे जीते। आयोग से उन्होंने कहा है कि जहां चुनाव होने में 2 महीने लगते हैं, वहां गिनने में 2 दिन लग गए तो कौन सी दिक्कत है। यह आभास हुआ है कि उनकी मांग सुनी नहीं जा रही है। उनसे यह सवाल पूछा गया कि विधानसभा चुनाव की तैयारी कैसे चल रही है। उनका कहना था, अगर चुनाव ऐसे ही होंगे तो तैयारी का क्या मतलब, अगर मैच फिक्स है। दिल्ली में राज ठाकरे ने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की। उन दोनों के बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। विदर्भ के 7 सांसदों के खिलाफ याचिका। नागपुर चुनाव में हुए मतदान और मतगणना के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी पाई जाने तथा चुनाव को लेकर निर्धारित नियमों का कई मुद्दे पर उल्लंघन होने का दावा करते हुए अब विदर्भ से जीत कर आए 7 सांसदों के खिलाफ हाई कोर्ट में अलग अलग याचिका दायर की गई। सांसदों के चुनाव को चुनौती देते हुए जहां नाना पटोले और किशोर गजभिये ने याचिका दायर की है। याचिका कार्यकर्ता का मानना है कि नामांकन पत्र भरते समय प्रत्याशी को शपथ पत्र देना होता है, लेकिन इन सांसदों की ओर से गलत जानकारी दी गई। यहां तक कि आय के स्रोत्र और आय कम दिखाई गई। इसके अलावा ईवीएम में दोष होने के कारण इन उम्मीदवारों की जीत होने का दावा भी किया गया। याचिका कार्यकर्ताओं ने जीत उम्मीदवारों का चुनाव रद्द करने का अनुरोध भी अदालत से की है। MNS News Live की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले